कांग्रेस सरकार को एक तरफा निर्णय लिए बिना व्यापार संघों के साथ चर्चा करनी चाहिए। पूर्व में भी इसी तरह के फैसले से व्यापारी आहत हुए हैं। अगर अगले कुछ महीने तक पाबंदियां बनी रही तो व्यापारी आत्महत्या कर लेंगे, ऐसा अश्विन मोहाड़िया का कहना है। लगभग 2 वर्षों से कोरोना महामारी के अंतर्गत व्यापारी वर्ग को सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का सहयोग एवं रियायत नहीं दी गई, जिससे कई व्यापारियों का व्यवसाय ठप हो गया है एवं उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन लग जाने से उसका खामियाजा व्यापारियों को ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि शासकीय कर्मचारियों को तो नियमित वेतन मिलने से कोई कष्ट नहीं होता। व्यापारियों को दुकान किराया, लागत पूंजी का ब्याज, इलेक्ट्रॉनिक बिल, स्टाफ कर्मियों का वेतन तथा सभी शासकीय विभागों के कर, लाइसेंसी आदि भी इस निर्बंध काल में लागू रहते हैं। इसी कारण यहाँ के बड़े व्यवसायी अन्य राज्यों में स्थानांतरित हो रहे हैं। आने वाले किसी भी निर्माण निर्बंध को व्यापारी पर थोपना अपने आप में अन्यायकारक के साथ साथ व्यापारी को मरणासन्न स्थिति में पहुंचाना है। पिछले कई वर्षों से विदर्भ क्षेत्र किसान आत्महत्या के लिए जाना जाता है। परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर आगे चलकर व्यापारियों को भी मानसिक रोगों से ग्रस्त होकर गलत कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा, ऐसा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। सैटरडे संडे के लॉकडाउन चालू कर रहे थे, उसके बाद ये चलते रहा मार्च तक। फिर मार्च में हमने 13 मार्च से लेके 21 मार्च तक का हमने, जबकि पूरा नागपुर चालू था, पूरा महाराष्ट्र चालू था, लेकिन नागपुर में हमने कड़क निर्बंध लगा के पूरी दुकानों को हफ्ता 10 दिन के लिए बंद रखा। और फिर 4 अप्रैल से संपूर्ण महाराष्ट्र लॉकडाउन में चले गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि नागपुर शहर तकरीबन 1.5 महीने पहले से लॉकडाउन में चला गया। सरकार, माननीय पालक मंत्री जी ने कहा है कि थर्ड वेव का आगमन हो गया है, वो एक जवाबदार व्यक्ति है, एक जवाबदार पद पे बैठे हैं, मैं मानता हूँ उन्होंने कहा तो हो गया होगा, लेकिन इसके लिए ऑथेंटिक गवर्नमेंट की एजेंसी से जो डिक्लेयर करती है कि थर्ड वेव आ गई है या सेकेंड वेव आ गई है। व्यापार की हालत आप सबसे किसी से छुपी नहीं है, कहीं ना कहीं आप लोग भी सब हमारे व्यापारियों से किसी भी तरीके से कनेक्टेड है। आप लोग व्यापार, 2 लॉकडाउन के समय जो हुआ है उसमें व्यापार पूर्ण तरीके से चरमरा गया है और खत्म होते जा रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।